इनका चैलेंज है जिनको रामू जी ने बैन कर दिया। और कुछ बहुत जल्दी कुछ और बैन करेंगे, क्योंकि मीडिया का तो कार्य सच्चाई निकाल के लाती है। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ मीडिया है, और मीडिया बहुत अच्छे से हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी लोग, और सोशल मीडिया पे कई कई लोग इसको लाइव कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। तब मुझे एहसास हुआ कि जो गुस्सा मुझे आ रहा है मोनिका जी के टाटा को सुनकर के, संदीप पात्रा जी के टाटा को सुनकर के, वो गुस्सा शायद प्रियंका गांधी को भी आएगा, ऐसा मेरे मन में विश्वास हुआ। तो घंटा हो गया जी, जी घंटा हो गया उनका। हाँ। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के बाद अब इतना तो तय है कि जो बंगाल में हो रहा है वो कोई नेचुरल कोर्स में ऐसा कुछ हो गया ऐसा नहीं, ये सोची समझी साजिश है बंगाल सरकार की और ममता बनर्जी ने जो ये कृत्य किया है, अब कोई उनके नाम के साथ दीदी लगाना पसंद नहीं है। जब हम बंगाल को याद करते हैं, पश्चिम बंगाल को याद करते हैं, उस धरती को याद करते हैं, तो हमें कैसे कैसे नाम याद आते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, बंकिमचंद्र चटर्जी जी, ऐसे ऐसे नाम कि एक समय था जब इस देश को चलाने के लिए जब प्रशासनिक अधिकारी पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा बंगाल से लोग पढ़ के निकलते। अगर इस देश की राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने की बात होती थी तो उसी बंगाल से होती थी। और आज कैसी परिस्थितियां बदल गई, आज बंगाल की चर्चा किस परिदृश्य में हो रही है। ये सच है कि हम इतनी सारी चीजों को जोड़ करके नहीं देखते। मैं धन्यवाद करता हूं जितेंद्र बंगला का, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, वो हमारे प्रवक्ता है, लेकिन मुझे आज उनको अपनी टीम में रखने पे गर्व हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। ये जो राजनीतिक खेल खेल रही है ममता बनर्जी की, वो अब किसी के छुपाने से या किसी पत्रकार को बीमार कर घर बिठाने से छुपने वाला नहीं है। अब ये निकल पड़ा है और ममता बनर्जी की असलियत इस देश को दिखाई दे चुकी, और नहीं छुपने देना। अब तो वैसे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां मीडिया के जैसे जैसे चैनल है, जैसे जैसे चेहरे गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस देश को ये बताने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी किस चरित्र की राजनेता है, और उनके साथ जो हाथ मिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल भी बड़ा आगे आगे रहते। अब देखिए दोनों का कनेक्शन पता चल रहा है, अब हमको समझ में आ रहा है दोनों के बीच में कभी बोलते। अब ये समझ में आ रहा है कि भारत के जो टुकड़े होंगे उसका समर्थन करने वाला अरविंद केजरीवाल, और यहां पर इस प्रकार से केंद्रीय जो पुलिस बल होता है, जो एजेंट संस्थाएं जाती है, उनको क्यों तीन चार दिन तक रोक करके उस स्थानीय जनता को मार काट और रक्तपात करने का ममता बनर्जी ने काम किया। अब उन्होंने जोड़ लिया तो जोड़ना पड़ेगा, और फिर वो स्टेज भी आती दिखता है जहां दोनों मिल जाते हैं। हो क्या दोस्ती होती है। अब समझ में आया कि डिमोनेटाइजेशन में दोनों को इतना प्रेम क्यों होता है।
अब उस दर्द का भी धीरे धीरे रिसर्च होगा। अच्छा तो कहीं उन्हीं उसी ब्लैक मनी से तो दोनों जगह नहीं तैयार किए जा रहे हैं जो भारत के टुकड़े में करेंगे, और जो वहां पर छूट दे दो पुलिस को रोक दो तो दो तीन घंटा में सब ठीक कर देंगे। अब तो हमको पता करो टीम भी इसी में शामिल हो जाएगा। ये कनेक्शन आप क्यों सकते हैं?